हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है। ये आपके लिए बहुत ही खुशी का लम्हा होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको सभी लोग अलग अलग सलाह देते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में ये खाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आप किसी भी महीने में खाने को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकती हैं, क्योंकि खाने का सीधा असर आपके बच्चे पर होता है। माँ जिस खाने का सेवन करती है वैसा ही उसके बच्चे को खाना मिलता है और उसी से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको भरपूर पोषक तत्वों को खाने की जरूरत होती है। खाने में आप प्रॉपर पोषक तत्व शामिल करें, विटामिन शामिल करें, जिससे कि आपका और आपके बच्चे का स्वास्थ्य पूरे 9 महीने बहुत ही अच्छा बना रहे। खाने को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरतें। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान वो कौन से फूड्स हैं जो आपको प्रॉपर अवॉइड करने हैं, जिनका सेवन आपको गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। इनका सेवन करने से आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो आज हम ये वीडियो उसके लिए लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको जिन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है उनमें से सबसे पहला है कच्चा दूध। वैसे तो दूध कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होता है, लेकिन कच्चे दूध का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूध को आपको हमेशा पकाकर और छानकर ही पीना है। कच्चे दूध में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप कच्चे दूध का सेवन करेंगे तो यह आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दूध को हमेशा पकाकर पिएं और उसके बाद भी उसको छानकर पिएं, जिससे कि उसके पूरे पोषक तत्व आपको मिल सके। दूसरी चीज है कटहल। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में भी विटामिन सी की अधिक मात्रा को लेने के लिए मना किया जाता है। कटहल में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप कटहल का सेवन भी ना करें, जितना हो सके उतना इसको अवॉइड करें। तीसरी चीज है गरम मसाले या फिर तली भुनी चीजें। प्रेगनेंसी के दौरान आप जितना पोषक तत्व लेती हैं उतनी ही अच्छी आपकी प्रेगनेंसी निकलती है। अगर आप ज्यादा मसाले खाती हैं या तला भुना खाना खाते हैं तो ये आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये चीजें बच्चे को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाती हैं। ऊपर से बच्चे के हेल्थ के लिए भी ये क्रिटिकल हो सकती हैं, तो इन चीजों को भी अवॉइड करें। कैफीन का सेवन कम से कम करें। अगर आप चाय या कॉफी के एडिक्टेड हैं, कुछ लोगों को हर आधे एक घंटे में चाय पीने की आदत होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप चाय पीते ही हैं तो केवल दिन में एक बार चाय पीजिए, या ज्यादा से ज्यादा 2 बार आप पी सकते हैं, क्योंकि कैफीन की अधिक मात्रा आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है और कैफीन की अधिक मात्रा से आपको बार बार पेशाब आने की भी समस्या हो सकती है। तो कोशिश करें कि कैफीन की मात्रा कम से कम लें। इनो, प्रेगनेंसी के दौरान आपको इनो का सेवन भी नहीं करना है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज, एसिडिटी की समस्या झेल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं एक इनो पी लूं जिससे कि मेरी एसिडिटी की समस्या ठीक हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इनो में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको हानिकारक साबित हो सकते हैं, तो आप इनका भी सेवन ना करें। अगर आप धूम्रपान या फिर ड्रिंक करने के शौकीन हैं, कुछ लड़कियों को आजकल शौक होता है, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान इन चीजों से बिल्कुल दूरी बना लें, इनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। पपीता, पपीते में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। जो कहते हैं ना कि पपीते का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए वरना आपको मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि पपीता जो यूज होता है वो आपको प्रसव कराने के लिए यूज होता है, इससे आपको डिलीवरी जल्दी हो जाती है, तो आपको पपीते का सेवन भी बिल्कुल भी नहीं करना है। अनानास और अंगूर का सेवन भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है, क्योंकि अनानास और अंगूर भी विटामिन सी से भरपूर होता है। अंगूर की तासीर गर्म होती है, गर्म चीजें आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेनी है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। पपीता आपको नहीं खाना है, कटहल आपको नहीं खानी है, अनानास आपको नहीं खाना है और अंगूर का भी सेवन आपको नहीं खाना है।
ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा मछली, अगर आप फिश खाते हैं तो कोई भी ऐसी मछली जिसमें मरकरी की मात्रा अधिक होती है उसका सेवन आपको नहीं करना है। अगर आपके रेगुलर फूड में फिश शामिल है तो वीक में एक या दो बार ही आप खाएं, इससे ज्यादा फिश का सेवन ना करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप मीट खाते हैं, तो अधपका मीट बिल्कुल भी ना खाएं, इसमें कीटाणु हो सकते हैं और ये आपके बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अगर आप एग खाते हैं तो बिना अच्छी तरह उबला एग आपको नहीं खाना है, कच्चा एग का सेवन ना करें, अच्छे से उबला हुआ और पक्का हुआ एग ही आप खाएं, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। कच्चा एग आपके और आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान इलायची का सेवन भी कम से कम करें। इलायची की तासीर गर्म होती है, अगर आप बार बार इलायची खाने के शौकीन हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दिन में केवल एक या दो बार ही इलायची खाएं, ज्यादा इलायची के सेवन से भी आपको परेशानी हो सकती है। ड्राई फ्रूट्स भी ना खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन आपको इनकी तासीर गर्म होती है तो ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी ज्यादा नहीं करना है। ड्राई फ्रूट्स आपको कैसे खाने हैं, आप रात को बादाम और किशमिश को भिगो दीजिए और सुबह उठकर इनका सेवन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। लेकिन कच्चे किसी भी ड्राई फ्रूट का सेवन ना करें, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। गर्म चीजें आपको इसमें बहुत ही ज्यादा अवॉइड करनी है। बाहर का जंक फूड भी ना खाएं। वैसे तो आजकल के रूटीन में सभी लोग जंक फूड के बहुत ही अधिक शौकीन होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अपने एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे के लिए आपको जंक फूड छोड़ना ही पड़ेगा। जितना भी कोशिश हो सके आप जंक फूड का सेवन ना करें। जंक फूड खाने से आपके बच्चे को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। चाइनीज फूड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक होती हैं, तो आप कोई भी बाहर का जंक फूड ना खाएं, अपने घर में ताजा बना हुआ खाना ही खाएं। फ्रीज का रखा हुआ खाना या बासी खाना बिल्कुल भी ना खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान फ्रीज में रखा हुआ या बासी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे आपको गैस और एपेट की समस्या हो सकती है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आप हमेशा ताजा बना हुआ और पौष्टिक आहार ही लें, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो ये मैंने आपको आज कुछ चीजें बताई हैं कि किन चीजों का आप सेवन करें प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे कि आपका बच्चा बहुत ही स्वस्थ और सुंदर पैदा हो और बिना कॉम्प्लिकेशन के आपके 9 महीने व्यतीत हो और आप एक सुंदर बच्चे को जन्म दें। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू, नमस्कार।